पाँच मिनट आप ए इसको ऑन नहीं है भाई, ऑन कर दो, ऑन करके दे दो सर। दो दिन हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक समाप्त हुआ 18 और 19 तारीख को। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी समाप्ति भाषण दिया। जो रिजोल्यूशन पास हुआ वो रिजोल्यूशन आपका पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया और PDF में भी भेज दिया। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रेस वार्ता देंगे, मैं सब आपको अनुरोध करूंगा उनका प्रेस वार्ता के बाद जो आप पूछना चाहता है एक एक पेश का जब आपको जाना कार्यकर्ता खड़ा होकर उनको पूछिए। सीधा सवाल पर करा दिया दादा आपने। मैं सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जो हमें आपने कोलकाता में बुलाने का काम किया। ये नेताजी के साथ बहुत पुराने साथी रहे हैं, नेताजी के साथ कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इन्होंने साथ मिलकर के लिए हैं। और जैसा पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं और आज फिर उस बात को दोहरा रहे हैं, जब कभी यहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ है उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में लौटे हैं तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है और बड़ी भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी ने देश की राजनीति में, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, न केवल प्रदेश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दो दो बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद दो तीन चार महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, उदाहरण के लिए PWD डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ 30% पैसा खर्च किया, जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये BJP के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं, कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं। और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गत पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है, बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशन को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है वो बिजली कैसे ठीक करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर EDC व इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। सर आजाद
का भी जिक्र किया गया है, रेजोल्यूशन जो पास किया गया है कि आतंकवाद के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्व में ऐसे काम किए थे जिसके चलते जांच हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है ना उसके ऊपर ईडी आती है, ना कोई सीबीआई आती है, ना कोई इनकम टैक्स आता है, और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहां बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अखिलेश जी, आपने पहले कह दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले आप एक नॉन कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट के तहत जो है अन्य जो विपक्षी दल है रीजनल पार्टी से उनको साथ लेकर आएंगे, तो क्या 2024 के चुनाव से पहले आप ये माने कि ये जो फ्रंट है वो बिना कांग्रेस के ही होगा रीजनल पार्टी के साथ? अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में है कि कोई ना कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई फ्रंट बने। और जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के, और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ, अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है, तो देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। 2024 चुनाव से पहले क्या हम ये देख सकते हैं, आपको क्या आप सस्पेक्ट करेंगे जो एजेंसी से ईडी सीबीआई उनका शिकंजा जो है आपके पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो है बढ़ता चला जाएगा? एक दो महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है, और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है, कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। अखिलेश जी, कांग्रेस से जब फ्रंट के बारे में बात होता है, हम देखते हैं पार्लियामेंट में आप लोग एकजुट होकर काम करते हैं, वहां पे टीएमसी नहीं जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोग ईडी के खिलाफ कभी जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, कभी पार्लियामेंट में गांधी मूर्ति की तरफ जाते हैं, कांग्रेस के साथ आप लोग जाते हैं पर तृणमूल कांग्रेस नहीं जाते हैं, और आपके ममता जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूला में आ रहे? सी, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है, कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। 19 के इलेक्शन के समय कई मुद्दे थे, जैसे उसके बाद एनआरसी था और राम मंदिर था, या इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इस समय आपको क्या 2024 के प्रमुख मुद्दे जो सो-कॉल्ड थर्ड फ्रंट के सामने क्या क्या है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए,
बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूँ देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है, और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं, और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं बंगाल में, जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन का सवाल खड़ा हुआ राजस्थान ने उसको स्वीकार कर लिया, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, बहुत सारे प्रदेश उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। तो क्या इस बार का चुनाव जातीय जनगणना और शूद्रों पर आधारित होगा सर? देखिए जो चुनाव होने जा रहा है कई तरह के मुद्दे चलेंगे, कुछ दिखाई देंगे मुद्दे, कुछ नहीं दिखाई देंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा, कर्नाटक में भी इलेक्शन है, इसको आने वाले जो प्रदेशों में इलेक्शन है इनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन देखिए अगर आप बीजेपी के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी तो कह रही थी कि सब कुछ जीत लेंगे, वो कहाँ जीते हैं वो लोग। और कर्नाटक में भी या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने